पाकिस्तान पर रूस जमकर भड़का है और रूस का कहना है कि अगर दोबारा ये गलती की तो अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान पर रूस क्यों भड़का और इसकी वजह क्या है। दरअसल रूस का भड़कने का कारण है कीड़े, वो कीड़े जो पाकिस्तान के दिए हुए चावल से निकले। जी हाँ, पाकिस्तान से खरीदे चावल में कीड़े मिले हैं जिसे लेकर रूस भड़क गया है और अब पाकिस्तान को निर्यात बंद करने की धमकी दे डाली है। रूस ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर उसने दोबारा उसे खराब चावल भेजा तो वो उससे चावल खरीदना ही बंद कर देगा। रूस को चावल बेचकर पैसा कमा रहे पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि रूस ने कहा कि अगर पाकिस्तान भविष्य में दोबारा ऐसी गलती करता है तो उससे निर्यात बंद कर दिया जाएगा। रूस के वेटरनरी एंड फाइटोसैनिटरी सर्विलांस यानी कि FSVPS सेवा ने पाकिस्तान से आयात किए गए चावल के खेप पर अंतर्राष्ट्रीय और रूसी फाइटोसैनिटरी जरूरतों का उल्लंघन करने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में कहा गया कि पाकिस्तान के चावल में मेगासेलिया स्केलरिस पाया गया है। मेगासेलिया स्केलरिस मक्खी की एक प्रजाति है। पाकिस्तान से खरीदे गए चावल में मक्खी पाए जाने के बाद FSVPS ने रूस स्थित पाकिस्तानी दूतावास के व्यापार प्रतिनिधियों से मांग की थी कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए। रूसी अधिकारियों ने FSVPS के नोटिस की एक कॉपी जारी की है जिसमें पाकिस्तानी दूतावास के संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि भविष्य में इस तरह का उल्लंघन न हो। नोटिस में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच खरीदे बेचे जाने वाले सामानों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। रूस की राजधानी यानी कि मॉस्को स्थित पाकिस्तानी दूतावास की व्यापार शाखा ने रूसी अधिकारियों की तरफ से दिए गए नोटिस को पाकिस्तान संबंधित सरकारी विभागों तक पहुंचा दिया है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन यानी DPP भी शामिल है। दूतावास की तरफ से DPP को भेजे गए एक पत्र में कहा गया, उपरोक्त बातों को देखते हुए आपके अनुरोध है कि तुरंत एक जांच बिठाई जाए, जो भी परिणाम हो उसे FSVPS के साथ साझा किया जाए ताकि भविष्य में होने वाले चावल निर्यात प्रतिबंध से बचा जा सके। रूस ने फसलों में कीड़ा पाए जाने के आधार बनाकर साल 2019 में इसी तरह का एक प्रतिबंध लगाया था जो कि 2 सालों तक जारी रहा था। दोनों पक्षों के बीच कई चरणों की बातचीत के बाद इस प्रतिबंध को हटाया गया था। इससे पहले दिसंबर 2006 में भी रूस ने पाकिस्तान से चावल खरीदना बंद कर दिया था। रूस का कहना था कि पाकिस्तान खाद्य सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रख रहा और खराब चावल बेच रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।